गांडे के गांधीनगर मैदान में आगामी 28 नवंबर से GBBL क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर रविवार को 12 बजे से खिलाड़ियों की नीलामी हुई। बताया गया कि IPL के दर्ज पर आयोजित इस 8 दिवसीय टूर्नामेंट में बीते 22 नवंबर तक खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लिया गया और उन खिलाड़ियों का नीलामी रविवार की दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया गया। खिलाड़ियों का ऑक्शन कुल 8 फाइनेंसर क्रमशः श्री स्पोर्ट्स अशोक ज्वेलर्स AKH 11, छोटू 11, चांद क्लब गौतम 11, शशि 11 व भगत 11 के बीच किया गया। बताया गया कि हर फाइनेंसर से 6,000 रुपए करके कमेटी में जमा करवाया गया है। वहीं हर फाइनेंसर को खिलाड़ियों की नीलामी के लिए पर्स में 15,000 रुपए करके दिया गया था, जिसमें हर फाइनेंसर को अपने मन मुताबिक पहले से एक एक आइकॉन खिलाड़ी रखने की छूट थी। बाकी 14 खिलाड़ी का चयन 15,000 खर्च कर ऑक्शन के माध्यम से करना था। इस तरह से यहां कुल 150 खिलाड़ियों के बीच बोली लगी, जिसमें 120 खिलाड़ी शोल्ड हुए और शेष 30 खिलाड़ी अनशोल्ड रह गए। बताया गया कि इस टूर्नामेंट में इंपैक्ट प्लेयर का रूल्स रखा गया है, जिसमें प्रत्येक टीम को लीग मैच के रूप में 3 मैच खेलना होगा। खिलाड़ियों के ऑक्शन ठीक IPL के दर्ज पर शुरू हुआ, जिसमें पहले खिलाड़ी के रूप में अभिषेक उर्फ बबलू सिन्हा के नाम की बोली फाइनेंसर अशोक ज्वेलर्स के द्वारा लगाई गई और अशोक ज्वेलर्स के द्वारा ही उन्हें अपने टीम का पहला बैट्समैन के रूप में खरीदा गया। वहीं सबसे हाईएस्ट बोली रगस कुटो गांव के ऑलराउंडर खिलाड़ी आरिफ खान के नाम लगाया गया, जिसे फाइनेंसर गौतम 11 ने इतनी बड़ी दाव खेला है। इस मौके पर निवास गुप्ता, बबलू सिन्हा, मोहम्मद अख्तर, आर्यन, सोएब अख्तर, निर्मल पाठक, पप्पू तिवारी, शशि कुमार, रजत कुमार, विक्रम सिंह, लालू शेख, अमन मोदी सहित कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य व दर्जनों क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे।